Now, once you start with this, what you can do is you can search for multi sim live. ठीक है, क्या सर्च करना है? मल्टी सिम लाइव करके सर्च करना है. कहां पे सर्च करना है? जो भी आपका वेब ब्राउजर है उस पर सर्च करना है. प्रेफरेबली यूज गूगल क्रोम. ठीक है, तो मल्टी सिम लाइव सर्च करने के बाद मल्टी सिम लाइव ऑनलाइन सर्किट सिम्युलेटर करके आएगा. ठीक है, सो मल्टी सिम लाइव ऑनलाइन सर्किट सिम्युलेटर पे आपको क्लिक करना है. आई विल ओपन इट इन कॉग्निटो मोड. ठीक है, तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे वेब ब्राउजर में कुछ विंडो आ जाएगा ऐसा. ठीक है, या दिस इज डो लाइक सो डिस्कवर इलेक्ट्रॉनिक्स विद ऑनलाइन स्पाइस सिमुलेशन. सो सिमुलेशन करने के लिए तो साइन अप बोल देना है यहाँ पे. यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री साइन अप. सो आइदर प्लेस यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कहीं पे भी करो. साइन अप बोल देना है. ठीक है, जैसे ही साइन अप बोल दोगे इट विल ओपन अप विद दी लॉगिन. तो पूछता है कि लॉगिन कैसे करना है. सो व्हाट इज योर नेम. तो आपका नाम आप क्या रखना चाहते हो तो उस हिसाब से रख दो. आई विल कीप इट एज रविकांत कमितकर. रविकांत एंड कमितकर. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज योर रोल, व्हाट यू आर लाइक अकाउंट्स पेबल प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर. राइट नाउ आई एम अ प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर. आप यहाँ पे स्टूडेंट करके चूज करोगे. ठीक है, यू विल चूज इट एज स्टूडेंट. ठीक है, मैं एज इंस्ट्रक्टर. नाउ नेम ऑफ द कंपनी एज आई नाउ नेम ऑफ द लाइक एनबी नवले. राइट, सो इट विल कॉल इट एज अ स्कूल बट इट्स लाइक आवर कॉलेज एड्रेस. सो इट्स अ केगांव सोलापुर. ठीक है, राइट. गांव सोलापुर पुणे हाईवे. ठीक है, एंड उसके बाद सिटी लिख दो आपका सोलापुर. उसके बाद पोस्टल यहाँ का जो है वो 413225255. ठीक है, ईमेल एड्रेस आपका डाल देना है जो भी आप यूज करने वाले हैं. फिलहाल मैंने अपने कॉलेज का भी डाला हुआ है. यू कैन यूज इट एज दिस. ठीक है, जो आपका पर्सनल है. उसके बाद ये बोलता है कि पासवर्ड चूज करो. सो यू शुड चूज द पासवर्ड विच इज अ स्ट्रॉन्ग वन. ठीक है, जो भी. एंड क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट. जैसे ही आप क्रिएट कर दोगे अकाउंट इट विल सेंड यू द ईमेल. इट विल सेंड यू द ईमेल. ठीक है, जैसे आप करोगे. ठीक है, वंस इट सेंड्स द ईमेल यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा. सो आपने ऊपर यूजर नेम जो है वो आपका ईमेल आईडी रहेगा और जो पासवर्ड है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और उससे क्रिएट हो जाएगा अकाउंट. वंस यू क्रिएट द अकाउंट यू नीड टू कम बैक टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन अगेन. वापस इसी सेक्शन पे आना है. ठीक है, होपफुली टिल दिस पार्ट एनीबडी कैन अनम्यूट एंड लेट मी नो. यहां तक के जो लॉग इन करने के लिए साइन अप रिलेटेड है, जो आप ईमेल आईडी वगैरह क्रिएट करते हो वैसा सेम पार्ट है, आप यूज कर सकते हो. ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? एनीबडी? यस. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. वंस यू आर डन विद दैट यू कैन कम बैक टू दिस मल्टी सिम लाइव और यहाँ पे लॉग इन बोलना है. अभी वंस यू आर डन विद दैट लॉग इन बोल देना है. ठीक है, लॉग इन बोलने के बाद यहाँ पे वो ईमेल आईडी और ये पूछता है. मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मेरा अकाउंट तो आई विल यूज दिस kamitkar.ravikant@gmail.com एंड आई विल. ठीक है, सो वंस यू लॉग इन इट विल शो यू नाउ हाउ मेनी सर्किट्स यू हैव वर्कड ऑन. व्हाट इज योर फेवरेट सर्किट. देयर आर चैट ग्रुप्स फॉर लाइक माइंडेड पीपल विश टू क्रिएट दिस थिंग. तो यहाँ पे अगर ऊपर दिखते हो तो यहाँ पे क्रिएट सर्किट करके आ रहा है. ठीक है, सो यू कैन क्रिएट सर्किट यूजिंग दिस बटन. सो क्लिक ऑन क्रिएट सर्किट.
कहां पे? ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे क्रिएट सर्किट था, वहां पे मैंने क्लिक किया है. बहुत सिंपल है. नाउ इट विल शो यू दिस काइंड ऑफ एन इंटरफेस. ठीक है, ये इस हिसाब इस तरीके से इंटरफेस दिखा देगा, जहां पे एक ग्राफ और ये स्कीमेटिक और यहाँ पे साइड पे टूल्स वगैरह है. ठीक है, अब एक एक चीज बताता हूं मैं क्या काम में आती है. यहाँ पे अनटाइटल सर्किट है, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो माई सर्किट करके. ठीक है, सिंपल सर्किट जो है उसका. उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हो तो ये प्रोब है. प्रोब जो हम लोग अगर आपने लैब में काम किया है और उसमें अगर आपने किस चीज को जो सीआरओ को देखा है, तो सीआरओ का जैसे प्रोब होता है वैसे ही ये प्रोब काम में काम आते हैं. तो वोल्टेज करंट, वोल्टेज एंड करंट ये दिखने के लिए, और डिजिटल वैल्यूज देखनी है तो लो और हाई को अगर देखना है तो ये वाला प्रोब काम में आता है. तो देखेंगे हम लोग हर एक चीज का एप्लीकेशन देखेंगे आज. उसके बाद ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, कनेक्टर है, ये जंक्शन बनाना है तो हम लोग ये वाला पार्ट यूज करेंगे. उसके बाद सोर्स, हम लोग मैक्सिमम केस में एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, ये दो मैक्सिमम केसेस में यूज करेंगे. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू कैन गो विद द एडिशनल दीज सोर्सेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बट फिलहाल हम लोग एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज ही यूज करेंगे ये पर्टिकुलर सेशन में. उसके बाद यहाँ पे बेसिक पैसिव कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, पोटेंशियोमीटर है, फ्यूज है, ट्रांसफॉर्मर है, कपल्ड इंडक्टर है और रेजिस्टर पैक है. ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग रेजिस्टर एंड कैपेसिटर मैक्सिमम इन दिस पर्टिकुलर सेशन. जैसे ही आपको आगे कुछ एडिशनल चीजें करनी है तो यू कैन गो विद एडिशनल कंपोनेंट्स. एनालॉग, यहाँ पे ओपैम्प वगैरह जो अभी अगले सेमिस्टर में जो आप एनालॉग सर्किट्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें ये ओपैम्प वाले और 555 टाइमर वाले आईसी है वो देखोगे, उसके ऊपर काम करोगे. फिलहाल तो नहीं है. दिस इज रिलेटेड टू डायोड, दिस इज डायोड, दिस इज जेनर डायोड, दिस इज एलईडी और जनरल पर्पज डायोड. तो वी विल बी वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन मैक्सिमम डायोड के साथ वर्क करेंगे. उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स है, यू हैव एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉस एंड जेफेट्स. ठीक है, तो फिलहाल तो एनपीएन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिकेटर्स लाइक लैम्प है, एलईडी है, एलईडी बार है, बजर है. तो एज लाइक इफ योर प्रोजेक्ट नीड्स दैट यू कैन यूज इट. यहाँ पे स्विचेस है, बटन क्लोज करना है, चालू करना है, बंद करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्विचेस है. तो हम लोग देखेंगे SPST स्टैंड फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो, SPDT स्टैंड फॉर सिंगल पोल ड्यूअल थ्रो. ठीक है, तो विल चेक आउट, वी विल यूज SPST एंड SPDT इन द कमिंग पार्ट. उसके नीचे मॉडलिंग ब्लॉक्स है, ये आपने मेरे ख्याल से सर्किट्स एंड नेटवर्क जो लीनियर सर्किट्स वगैरह जो है उसमें ये चीजें देखी है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड ऑल. फिलहाल तो हम लोग नहीं जाएंगे इस चीज में फिलहाल. उसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, मतलब रिले वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो यहाँ से. यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पे सिर्फ LM317 है, जो 7805 वगैरह है वो नहीं है. एज लाइक लेट मी क्लियर इट एट very first instance itself, as this is a free version and free of cost you will be utilizing this facility given by the company. Ekdam simple hai, and I, you know, multi-sim jo hai ye software jo live mein hum log online use karenge, to isme bahut kam aur limited scope hai jo number of devices alag alag available hai uske liye. theek hai, अब नीचे अगर देखते हैं तो ये लॉजिक गेट्स जो आप लोगों ने देखे हुए हैं वो लॉजिक गेट्स के लिए है. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस लॉजिक गेट, आप जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से यूज कर सकते हो. एंड गेट और गेट वगैरह सब है, तो वी विल यूज दैट टू. सो वन बाय वन विल सी दैट. नाउ लेट अस टेक अ वेरी सिंपल लाइक सर्किट जिसमें हम लोग क्या करेंगे,
विल ट्राई टू रन थ्रू अ सिंपल रजिस्टर, उसमें से जाने वाला करंट कैसे मेजर करना है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज कैसे मेजर करना है, या रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क में वोल्टेज कैसे वैरी होता है वो देखना है, तो उसके लिए हम लोग सर्किट बनाएंगे. सो लेट्स ट्राई विद दैट. सो फॉर दैट सेक आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है. ये रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने माउस का बटन पकड़ा नहीं है, जैसे ही मैं माउस का बटन क्लिक करूंगा ये रजिस्टर प्लेस हो जाएगा. ठीक है, मैंने माउस का बटन प्लेस किया है, ये रजिस्टर प्लेस हो चुका है. ठीक है, रजिस्टर प्लेस हो चुका है. अब मेरे को करना क्या है, ये रजिस्टर मेरे को यहाँ पे रखना है, मेरे को और एक रजिस्टर चाहिए. नाउ देयर आर टू वेज, लाइक मैं यहाँ पे वापस जाऊंगा, यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकता हूँ. दूसरा तरीका है, यहाँ पे कॉपी का बटन है एक, डुप्लीकेट करके. सो आई कैन सिलेक्ट दिस एंड आई कैन प्लेस इट हियर. नाउ व्हाट आई नीड इज, मेरे को ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, मेरे को वर्टिकल करना है. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रोटेट दिस. यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है ना, मैं इसको सिलेक्ट करके क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा रजिस्टर जो है वो रोटेट हो गया. अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिंपल वोल्टेज सोर्स चाहिए, डीसी वोल्टेज सोर्स. सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और डीसी वोल्टेज सोर्स दे दूंगा, तो ये मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे. अब वायरिंग के बारे में देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है स्क्रीन पे. चेक आउट, ये जो टर्मिनल्स है ना, ये हर एक कंपोनेंट का जो टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल पे अगर मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूं ना, तो ये माउस का पॉइंटर है ना एक वायर के रील में बदल जाएगा. यू जस्ट नीड टू चेक. मैं जैसे ही इसको लेके जाऊंगा ना, यू कैन सी दैट, मैंने यहाँ पे अगर मैं लेके गया, वायर के रील में बदल जाता है. यू कैन सी दैट. ठीक है, जैसे ही वो बदल जाता है, आई कैन क्लिक ऑन. मैंने क्लिक किया, वायर मेरे साथ वापस लेक आ रही है वहां पे. आई कैन ट्राई, और जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, वहां पे गोल एक रेड सर्कल आ रहा है. तो मैंने जैसे ही दूसरे टर्मिनल पे जहां पे मेरे को कनेक्ट करना है, मैंने क्लिक कर दिया, तो ये कनेक्ट होगा. बहुत सिंपल है. सिमिलरली यहाँ पे आया, ठीक है, अगर ये देखते हो वायर का बंडल, क्लिक किया, यहाँ पे आता हूं, तो वापस से क्लिक क्लिक राइट, वापस ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला. नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप ये स्पाइस मॉडल देखते हो ना, पी स्पाइस मॉडल में जब भी आपको सिमुलेट करना, ठीक है, तो इसमें एक रेफरेंस मॉडल लगता है या रेफरेंस वोल्टेज लगता है, और रेफरेंस वोल्टेज रहता है ग्राउंड. तो मेरे को कभी भी ये ऐसे सर्किट्स में रेफरेंस मॉडल में ग्राउंड ऐड करना बहुत जरूरी होता है. तो ये सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे ग्राउंड लगा दिया. तो अभी मेरा सर्किट कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 5 वोल्ट का डीसी वोल्ट लगा है, यहाँ पे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सर्किट विल बी 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1K प्लस 1K, टोटल 2 किलो ओम. So 5 volt divided by 2 kilo ohm. How much amount of current should flow from this particular circuit? Kitna flow hona chahiye? Kitna current aayega? 2.5 milliampere. Correct hai? Yes. So let's see. Hum logo ko wahi dekhna hai. To yahan pe jo voltage probes hai, जो हम लोग मल्टीमीटर के जैसा लगाते हैं, तो इसको पकड़ना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है. नाउ इट विल शो अस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस. ठीक है, तो यहाँ पे करंट दिखाएगा. हम लोगों ने अभी सिमुलेट किया नहीं है फिलहाल. ठीक है, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे और वोल्टेज. नाउ मेरे को ये रजिस्टर 2 और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज कितना है वो देखना है. रजिस्टर 2 और ग्राउंड, ये दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है वो देखना है. तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया. सो दिस प्रोब विल वर्क फॉर मी टू शोकेस हाउ मच इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. ठीक है, लाइक यहां तक के क्लियर हुआ सबको?
वोल्टेज प्रोब, करंट प्रोब, ये वोल्टेज सोर्स, ये किलो ओम रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, ये ग्राउंड लगाना है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके ग्रेट. शैल वी स्टार्ट? या ग्रेट ग्रेट. शैल वी स्टार्ट विद द सिमुलेशन ऑफ दिस? हम लोगों को देखना है यहाँ पे दिखाता है कि नहीं वोल्टेज. सो वोल्टेज डिवाइडर लॉ के हिसाब से आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाय दिस डीसी वोल्टेज, सो दैट इट विल शो मी अराउंड 2.5 वोल्ट. ठीक है, 2.5 वोल्ट यहाँ पे दिखना चाहिए और यहाँ पे मेरा मिली एम्पियर में भी उतना ही आना चाहिए. सो वी विल स्टार्ट रन. तो मेरे को अगर इसको एग्जीक्यूट या सिमुलेट करना है तो यहाँ पे ऊपर प्ले बटन है. यहाँ पे क्या है? प्ले बटन है. यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना मेरा माउस जहां पे रोटेट हो रहा है, यहाँ पे एक प्ले बटन है. जैसे मैं प्ले या रन सिमुलेशन बोलता हूं तो यू विल स्टार्ट लुकिंग द वैल्यू एट पर्टिकुलर करंट और वोल्टेज का वैल्यू आएगा. लेट्स सी दैट. सो इफ आई रन दिस नाउ यू कैन सी इट, द अमाउंट ऑफ करंट इज 2.5 मिली एम्पियर. ठीक है, यहाँ पे 2.5000 मिली एम्पियर एंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज 2.5 वोल्ट. ठीक है, कळते हे? दिसते का तुम्हाला हे सगळं? कैन यू सी दिस? यस सर. ग्रेट. नाउ व्हाट आई वांट इज मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा देना है. सो लेट्स स्टॉप दिस सिमुलेशन. स्टॉप करने के लिए यहाँ पे ये स्क्वायर बटन है, इसको स्टॉप बोलते हैं. तो दिस विल स्टॉप दिस सिमुलेशन. तो सिमुलेशन ये स्टॉप हो जाएगा. नाउ आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा. रेजिस्टेंस टू पे डबल क्लिक कर दूंगा. नाउ रेजिस्टेंस टू में 1 किलो ओम की जगह पे आई विल मेक इट एज 4 किलो ओम. आई विल मेक इट एज 4 किलो ओम. ठीक है, अब क्या हुआ? 4 किलो ओम. जैसे मैंने ये 4 किलो ओम बोल दिया, ये यहाँ पे दिखा रहा है आउट ऑफ डेट. आउट ऑफ डेट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है और मैंने वापस से सिमुलेट नहीं किया हुआ है. नाउ लेट मी नो, अगर मैंने इसको 4 किलो ओम किया तो ये 4 किलो ओम प्लस ये 1 किलो ओम, तो अमाउंट ऑफ करंट विल बी 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, विच विल मेक दिस एज 1 मिली एम्पियर. एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस 4 किलो ओम रेजिस्टेंस विल बी 4 वोल्ट्स. Simple, isn't it? So let's try to do that. So if I change it and run this particular thing, now you can see that this is 1 milliampere amount of current and this is the 4 volt. So 4 kilo ohm, 1 kilo ohm. Ete lakshat, ekdam simple. So you can change these values and you can go ahead with this. So even like, अगर मेरे को स्प्लिट भी करना है ना, अगर मेरे को ये 4 किलो ओम के पैरेलल में और एक 4 किलो ओम लगाना है, तो आई कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम दिस साइड और आई कैन सिलेक्ट दिस वन. आई विल कॉपी दिस एंड आई विल प्लेस इट हियर एंड ये यहां पे लगेगा. ओके, नाउ लिटिल कॉम्प्लिकेशंस बीन इंक्रीज्ड. ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस मैंने बढ़ाया. नाउ 4 किलो ओम पैरेलल विद 4 किलो ओम, राइट? सो द रिजल्टेंट विल बी हाउ मच? 4 किलो ओम पैरेलल विद 4 किलो ओम कितना आएगा? 2 किलो ओम. एंड 2 किलो ओम इन सीरीज विद 1 किलो ओम विल बी 3 किलो ओम, राइट? सो अमाउंट ऑफ करंट विल बी 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 किलो ओम. So 5 divided by 3 will come out as kitna aega? 1.666 milliampere, right? So let's see that. Theek hai? Let's see that. And voltage bhi kar sakte aur I will show you the like now amount of current splits between these two terminals. Like ye wale terminal se aur ye wale terminal se jane wala current. ठीक है, तो इट विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस. ये हाफ यहां से जाएगा, हाफ यहां से जाएगा. सो लेट्स सी वेदर इट हैपेंस और नॉट. यू कैन सी दैट 1.667 मिली एम्पियर और उसमें से 833
माइक्रो एम्पियर यहां से जा रहा है और 833 माइक्रो एम्पियर यहां से जा रहा है, गेटिंग इट? सो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू सिमुलेट दिस काइंड ऑफ ए सर्किट. सो आप इसी का यूज करके आपके केसीएल, केवीएल और थेवेनिन्स, अलग अलग जो थ्योरम्स है वो आप चेक कर सकते हो, अलग अलग प्रैक्टिकल्स जो सेटअप्स है वो तैयार करके देख सकते हो, ठीक है, रिलेटेड टू दी एनटीए सब्जेक्ट. सो लेट्स गो अहेड. यहां तक के जो बताया मैंने, इसमें किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन, क्यूरी कुछ है, प्लीज फील फ्री. डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरी? नो सर. ओके, ग्रेट. मतलब जहां तक कि मैंने अभी तक के जितना बोला है, समझ में आया है? यस सर. ओके, ग्रेट. शैल वी गो अहेड देन? ओके, अब करना क्या है बताता हूं मैं. अभी मेरे को करना क्या है, यहाँ पे फाइल पे जाना है और इसको सेव बोल देना है. जैसे ही सेव बोलते हैं तो वो पूछता है कि प्राइवेट में सेव करना है कि पब्लिक में सेव करना है, ठीक है? सो यहाँ पे पब्लिक चूज कर दो और माई सर्किट, इसको हम लोग बोल देंगे माई सर्किट वन बोल देंगे, ठीक है, एंड विल कीप दिस ओके. अब कर क्या सकते हो बताता हूं मैं. यू कैन स्टार्ट विथ वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू कर सकते हैं, ठीक है. अब वो क्यों चालू करने के लिए बोला, यहां पे अगर आप देखते हो ना, यहां पे ऊपर है ना, मैंने राइट हैंड कॉर्नर पे माउस लेके गया हूं मैं, यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर बट है और उसमें से एरो बाहर आ रहा है, वहां पे एक्सपोर्ट करके है, एक्सपोर्ट, ठीक है. तो उस एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, तो पूछता है इसकी स्कीमेटिक इमेज डाउनलोड करनी है क्या. यस, तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया ना तो स्कीमेटिक इमेज डाउनलोड हो जाएगी, जो अभी दिख रही ना वो स्कीमेटिक इमेज डाउनलोड होती है. आई कैन ओपन इट अप. सो मैंने वही स्कीमेटिक इमेज ओपन की है, यू कैन सी दैट यहाँ पे जो भी है वो स्कीमेटिक इमेज ओपन हुई है, ठीक है. तो ये वाला इमेज आप जो डाउनलोड किए हुए हो वो आपके वर्ड फाइल में आप लेके जा सकते हो. नाउ लेट्स गो अहेड विथ न्यू फाइल. मैंने ये तो सेव कर दिया, अब मैं न्यू फाइल बोलता हूं. तो ऊपर ये जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे टॉप पे, तो उस पर अगर क्लिक करते हैं और न्यू फाइल बोलते हैं तो इट विल लाइक, एंड एग्जिस्टिंग जो फाइल है अभी जो हम लोगों ने इससे पहले वाली सेव की थी वो तो मेरे लॉग इन में दिखती ही है, ठीक है. ती माझ्या लॉग इन मध्ये दिसते सुद्धा, ती तुम्ही वापरू शकता किंवा यूज करू शकता. नाउ लेट्स गो अहेड. द अदर पॉप्युलर सर्किट दैट यू लाइक अबाउट मोस्ट, वी विल ट्राई टू डू दैट. द अदर सर्किट दैट यू लाइक मोस्ट इज रिलेटेड टू ईकैड इज हाफवेयर रेक्टिफायर. लेट्स सी दैट. तो मैंने डायोड ले लिया और आई विल टेक द रजिस्टर ऑल्सो. तो रजिस्टर रख दिया मैंने, उसको रोटेट कर दिया, एंड आई विल नीड एन एसी वोल्टेज. तो मैंने एसी वोल्टेज ले लिया, एंड नाउ व्हाट आई वांट इज सिंपली कनेक्ट दिस सर्किट. तो मैंने ऐसा वायर करके इसको सिलेक्ट करके लगा दिया यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्लिक करके यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दिया. और व्हाट आई नीड हियर नाउ इज ग्राउंड, बिकॉज रेफरेंस करके एक्ट करेगा वो, तो इसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है. नाउ व्हाट आई नीड इज इन वोल्टेज प्रोब्स. सो यहाँ पे मेरा इनपुट वोल्टेज दिखेगा, ठीक है, और यहां पे मेरा जो है वो आउटपुट वोल्टेज दिखेगा. लाइन पे लगाना है वो, ठीक है. सो जैसे ही लाइन पे लगाते हैं, तो नाउ व्हाट दिस सर्किट विल हैव इज 1 वोल्ट इनपुट. सो 1 वोल्ट की जगह पे मेरे को बढ़ा देना है. तो मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया, यहाँ पे साइड पे ऑप्शंस आ गए. तो वोल्टेज आई विल कीप इट एज लाइक 9 वोल्ट रख देंगे, या 10 वोल्ट भी लग सकते हैं. Instead of 1 kilohertz, जो मेरा AC signal supply से आता है, तो वो रहता है 50 hertz, तो I will keep it as 50 hertz.
है, बाकी मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, ऑफसेट वोल्टेज, टाइम डिले, डैम्पिंग फैक्टर वगैरह कुछ नहीं बदलना है फिलहाल तो, ठीक है, विल कीप इट एज 10 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो 10 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स दिख रहा है। यहाँ पे मेरा 1 किलो वोल्ट है, 1 किलो ओम है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो ब्लू में है और जो इनपुट है वो ग्रीन में है। अब सिंपली इस सर्किट को अमाउंट ऑफ करंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं वो नहीं लूंगा, विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग डिफरेंट। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिमुलेशन बोल दिया, ठीक है, रन सिमुलेशन बोल दिया, यू विल स्टार्ट गेटिंग। अब ये तो एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल की वजह से ये तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो ये समझने के लिए यहाँ पे एक ग्राफर करके है, अगर मैं ग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे ये वाला एरो लेके इसको थोड़ा सा और यहाँ पे ऑटो ट्रिगर करना है, ऑटो ट्रिगर, ठीक है। तो यू कैन सी दैट यहां से जो ग्रीन है वो मेरा इनपुट सिग्नल है, जो एसी है वो 10 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट है ना, पीक टू पीक 20 वोल्ट हो जाता है वो, राइट। और जो ब्लू में है वो मेरा आउटपुट है, जिसमें हाफ जो है वेव वो रेक्टिफाई हो चुका है, दैट बीन रेक्टिफाइड। क्यों हुआ है? क्योंकि बीच में डायोड है वो रेक्टिफाई कर देता है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता, तुम्हाला असं वाटलं सर मला डायग्राम पण बघायची आणि ग्राफ पण बघाय, यहाँ पे ऊपर है ना ग्राफर के बाजू में स्प्लिट करके है, तो स्प्लिट पे अगर मैंने क्लिक किया ना तो यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे सर्किट दिख रहा है और यहाँ पे मेरा उसका सिमुलेशन दिख रहा है। सो मैंने ग्राफ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जो भी है। फिलहाल मेरे को यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ऑटो ट्रिगरिंग पे रख देना है। यहाँ पे माउस लेके जाने के बाद ऐसा एरो आता है, अगर मैं स्क्रोल माउस का जो रोलर रहता है ना उसको अगर घुमाता हूं तो इसके वैल्यूज वगैरह ये होती है, अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर नीचे करता हूं तो ये वैल्यू दिखती है, ठीक है। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट अभी फिलहाल? मेजरमेंट करना कैसा है सर वगैरह, वोल्ट्स पर डिवीजन, और ये यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे 5 मिलीसेकेंड्स पर डिवीजन है, यू कैन सी दैट, एंड यहाँ पे अगर देखते हो तो 5 वोल्ट्स पर डिवीजन है। ऑन वाई एक्सिस यू हैव 5 वोल्ट्स पर डिवीजन, ऑन एक्स एक्सिस यू हैव 5 मिलीसेकेंड्स पर डिवीजन, एक्स एक्सिस पे 5 मिलीसेकेंड। तो यू कैन, यहां से अगर मैंने कम कर दिया, यू कैन सी दैट यहाँ पे अभी 10 मिलीसेकेंड है, 10 मिलीसेकेंड मतलब यहां से लेके यहाँ पे पूरा एक साइकिल 20 मिलीसेकेंड है, 20 मिलीसेकेंड, 1/20 मिलीसेकेंड कम्स आउट टू बी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो वो जो हम लोगों ने इनपुट दिया हुआ है। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट अभी फिलहाल? डू यू हैव एनी क्वेश्चन क्यूरी? नो सर, समझ में आया? नो सर, ये प्रोब लगा के यस आप सर, देख, यस, ये प्रोब लगा के देखा है ना आपने, इसमें प्रैक्टिकल में हैव यू डन इट इन प्रैक्टिकल? यस नो, लेट नो, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट वेदर यू हैव परफॉर्मड इट और नॉट, किया है नहीं किया है? यस सर, ओके, ऐसा ही दिखा था ना वहां पे भी? ओके, यस, उसमें से अगर मेरे को कोई ऑफ करना है, लेट्स टेक, मेरे को इनपुट ऑफ करना है तो आई कैन ऑफ टर्न ऑफ, यहाँ पे मैंने चूज कर सकता हूं, मेरे को ऑन करना है कि नहीं करना है, ऑफ रखना है तो कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आई कैन टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑफ, तो उस हिसाब से ये कर सकते हैं, ठीक है, राइट, चलेगा? ओके, नाउ आई कैन स्टॉप दिस सिमुलेशन, स्टॉप करके मैं स्कीमेटिक पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ स्कीमेटिक दिखेगा। नाउ नाउ योर कैपेसिटर एक्ट्स एज अ फिल्टर, ठीक है, एज यू नो दैट कैपेसिटर एक्ट्स एज अ फिल्टर। तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर लेके आ सकता हूँ, कैपेसिटर सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे रख दिया और उसको रोटेट किया, और इसको मैंने, कैपेसिटर को मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से लेके यहाँ पे।
Now, if I keep 1 microfarad capacitor, capacitor का like जितना value बड़ा होता है उतना smooth out करता है, right? वो देखेंगे. अगर मैं इसको vary करता हूँ, so if I click on this, I can take फिलहाल 10 microfarad ले लेंगे, ठीक है? फिलहाल 10 microfarad ले लेंगे. Now we'll see what changes will occur in your output, ठीक है? So let's run this again. If I split it, you can see that ऐसा होके charging होके discharge हो रहा है capacitor. लेकिन capacitor discharge ज्यादा हो रहा है, ठीक है? तो मेरे को smooth DC नहीं मिल रहा है. So what I can do is I can increase the value. Instead of 10 microfarad, I can increase it to 100 microfarad, right? तो जैसे मैंने यहाँ पे 100 की value, you can see the change, right? Smooth out हुआ है. मतलब charging quickly है, discharging time ले रहा है, discharging time ले रहा है, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे instead of 100 now, if I take it as 400, ठीक है? ये और smooth हो गया, ठीक है? और स्मूथ हो गया, यू कैन सी दैट. एंड अगर मैं इससे ऊपर करता हूं और 470 या 970, तो इट विल स्मूथ आउट मोर, ठीक है? और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा. एंड ये सब होने के बाद, मतलब दिस इज द वे द कैपेसिटर वर्क्स एक्चुअली, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. चार्जिंग होते वक्त डायरेक्टली हो रहा है और डिस्चार्जिंग के वक्त ये 1 kΩ थ्रू पास हो रहा है. तो आरसी टाइम कॉन्स्टेंट के हिसाब से 1/2πRC का यूज करके वो डिस्चार्जिंग का काम कर रहे हैं. तो आर अगर मैं बढ़ाता हूं तो भी और ज्यादा देर तक के ये चार्जिंग का वक्त या डिस्चार्जिंग के लिए ज्यादा लेगा और स्मूथ आउट ज्यादा रहेगा, ठीक है? स्मूथ वेव और ज्यादा दिखेगी, ठीक है? डीसी के लिए इसके आगे आप रेगुलेटर वगैरह लगा सकते हो, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 7805 इज नॉट देयर इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट यू कैन यूज इट. ओके अब मेरे को ये सर्किट भी डाउनलोड करना है और मेरे को ये ग्राफ भी डाउनलोड करना है. तो वापस कहाँ पे जाना है? यहाँ पे जाना है, स्कीमेटिक इमेज बोलना है. तो मेरा स्कीमेटिक इमेज डाउनलोड हुआ. अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ग्राफर इमेज बोल दिया, तो ये ग्राफर इमेज भी डाउनलोड हुआ, ठीक है? तो दिस इज माई हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR बोलते हैं, एंड इसको हम लोग सेव कर देंगे. विल सेव दिस वन. ओके ओके लेट मी टेक अ पॉज एंड हैव यू अंडरस्टूड दिस नाउ एवरीवन? कैसे यूज करना है, क्या क्या करना है, क्या कर सकते हैं? यस यस सर. ओके लुक्स गुड, ग्रेट. या Now, shall we try with the transient response of common emitter amplifier, CE amplifier? Shall we? Shall we check out with CE amplifier? Check karenge kya? Common emitter amplifier hua hai kya aapko? यस सर. ओके तो मेरे को लगा नहीं हुआ है, सब शांत हो गए. तो ओके लेट्स गो विथ न्यू फाइल, ठीक है? नाउ विथ न्यू फाइल व्हाट आई नीड इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, सो विल टेक इट एज एनपीएन ट्रांजिस्टर. तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया एनपीएन ट्रांजिस्टर. Now what is 100A/A is it's a beta factor, HFE. इसका HFE 100 है. तो आप जब भी डिजाइन करोगे, now you can change the beta factor. यहाँ से beta factor भी बदल सकते हो. तो that current gain का आप बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो. Now let's take the resistors. We'll use this resistors. So we'll place this resistor. We'll rotate this. रजिस्टर डिवाइड बायस कर लेंगे हम लोग यूज. तो उसके लिए कुछ ऐसे इंतजाम लगेगा. एंड विल हैव दिस एज माय आरसी, दिस एज माय आरई. उसके अलावा मेरे को कैपेसिटर्स चाहिए, ठीक है? सो विल यूज द कैपेसिटर्स. तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा,
आई विल यूज दैट एंड ओके बिफोर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज करते हैं तो विल डबल क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे अगर सिम्बॉल पे क्लिक करते हो तो यू कैन सी दैट यहाँ पे एरो पे क्लिक किया तो मेरे को ये सिम्बॉल मिल गया. यू कैन सी दैट दिस हैज बीन चेंज नाउ. तो मैं इसको ही कॉपी करूंगा, यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसी को कॉपी करके यहाँ पे सी के प्लेस पे रख देंगे. राइट, ओवरऑल सर्किट बन गया. लेट अस टेक लाइक मैं रैंडमली वैल्यूज डाल देता हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्ट डिजाइन वैल्यूज. अगर आपको डिजाइन वैल्यूज आती है तो वो डिजाइन वैल्यूज आप खुद पुट अप कर लो, आई डोंट माइंड अबाउट इट. लाइक आई विल टेक इट एज 5K. ठीक है, 5K के आसपास रहेगा तो भी चलेगा. दिस विल 1 microfarad इज ओके. दिस विल कीप इट एज 1.7K एंड विल कीप दिस एज a lower value like 300 ohm will do for us. मैंने ये तैयार मतलब यू कैन यू आर बेटर बिल्डर देन मी. लाइक आप अच्छे तैयार कर सकते हो इससे आपके डिजाइन के हिसाब से. तो विल टेक इट अप. ठीक है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक और ये वाला आप यहां से लेके यहां शॉर्ट कर देना है, यहां से लेके यहां पे शॉर्ट कर देना है, ये वाला यहां से यहां पे शॉर्ट, यहां से ये वाला यहां पे शॉर्ट, यहां से यहां और ये वाला यहां पे वायरिंग. और ये जब चीजें आप खुद यूज करना चालू करोगे ना, जैसे जैसे आपको खुद को प्रैक्टिस होगी, जितना आप खुद यूज करोगे उसके बाद ही ये कंफर्टेबल लगेगा आपको, तब तक के नहीं. ठीक है, जब आप खुद इसमें काम करोगे तभी जाके ये कंफर्टेबल फीलिंग आएगा आपको. सो टिल दैट लाइक यू विल नॉट गेट अ कंफर्टेबल फीलिंग अबाउट इट. आई विल टेक इट एज 10K सीधा. ठीक है, मैंने रजिस्टर क्यों लिया, क्योंकि मेरे को वोल्टेज लेना है उसके लिए. सो ग्राउंड आई विल यूज इट, इसको ग्राउंड को रेफरेंस करके यूज करेगा वो. एंड मेरे को यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई भी लगा देना है तो आई विल यूज दिस ग्राउंड एंड 12 वोल्ट सप्लाई एज अ डीसी एक्सटर्नल सप्लाई विच विल वर्क फॉर मी. सो विल रोटेट इट एंड यहां से ये वाला और यहां से ये वाला. सो इंस्टेड ऑफ 5 वोल्ट आई विल गो विद 12 वोल्ट. सो आई विल टेक इट टू यहाँ पे 1.2 वोल्ट भी लेना है और यहाँ पे 10x कर देना है. क्लिक कर दोगे तो 12 वोल्ट बन जाएगा ये. अगर 0.1x मतलब उससे कम कर देना है. ठीक है, 10 टाइम्स कम 10 टाइम्स बढ़ाना है तो 120 वोल्ट भी होता है. मतलब आई विल टेक इट टू 12 वोल्ट नो. सो इट्स 12 वोल्ट. सो दिस इज द ओवरऑल लाइक सर्किट. मैंने 1 kHz और 1 वोल्ट की जगह पे हम लोग 0.5 वोल्ट दे देंगे. सो दिस इज 0.5 वोल्ट एंड 1 kHz का सिग्नल है एंड विल ट्राई टू वर्क आउट विद दिस. नाउ इफ आई सेव दिस, दिस इज माय सी राइट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. सो माय सी एम्पलीफायर एंड आई विल सेव दिस आल्सो. ओके, now I need to run this, right? मेरे को run भी करके देखना है. तो what I will do is I will go with run. Now if I try to see it is in grapher, ठीक है, तो मैंने probe भी लगाया नहीं तो दिखेगा भी नहीं. I will stop this one. Now probes कहाँ पे लगाना है? एक voltage का probe मेरा input पे रहेगा. Now this green will be my input voltage and the other voltage is at the output, right? यहाँ पे मेरा रजिस्टर के अक्रॉस मेरा आउटपुट देखना है मेरे को. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आई गेट हियर एज. थोड़ा सा क्लिप हो रहा है, आई डोंट नो. मैंने डिजाइन वैल्यूज प्रॉपरली नहीं लिए तो थोड़ा सा क्लिप वगैरह हो रहा है और फेज शिफ्ट भी है. ठीक है, और फेज शिफ्ट वगैरह क्यों होता है, दैट योर सब्जेक्ट टीचर इज मोर एक्सपर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, जो बता सकेंगे आपको.
तो दिस इज ओवरऑल सिनेरियो दैट यू कैन लुक इनटू, लाइक मैंने ग्रीन वाला मेरा छोटा सा इनपुट है और आउटपुट है यहाँ पे. नाउ दिस इज कॉल्ड एज एन ट्रांजिएंट एनालिसिस, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस. अभी मैं स्टॉप करता हूँ और इसमें एसी स्वीप करके है, मैं बताता हूँ एसी स्वीप मतलब क्या होता है. एंड इफ आई रन दिस यू विल कम टू नो लाइक दिस इज द वंडरफुल थिंग. What is meaning of this particular graph? This is like a logarithmic graph है. ये logarithmic graph क्या बोलता है? अगर मेरा जो input signal है, वो input signal का frequency 10 hertz है, 10 hertz है, तो इसका जो gain है, ये system का जो gain है, it will be around 1. And जैसे-जैसे मेरा frequency बढ़ता जाएगा, gain बढ़ता जाएगा. कब तक के? जब तक के 63 kilohertz तक के जाएगा ना? तब तक के बढ़ेगा और उसके बाद ये सैचुरेट हो जाएगा, गेन जो है वो सैचुरेट हो जाएगा. ठीक है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे ये ग्राफ से. और ये जो है ये फेज शिफ्ट का है. तो व्हाट इज मीन बाय दैट, अगर मेरा 31 हर्ट्ज है, 31 हर्ट्ज है, तो मेरा प्रॉपर फेज शिफ्ट जो है वो जीरो है. अदरवाइज इट विल बी अ वेरी डिफरेंट फेज शिफ्ट, मतलब जो अभी दिख रहा है ना फेज शिफ्टेड, तो ये वाला. तो यू कैन हैव एन एसी स्वीप एनालिसिस ऑफ योर सर्किट आल्सो, आपके सर्किट का एसी स्वीप एनालिसिस भी आप निकाल सकते हो. मेरा मतलब ये वाला जो एम्पलीफायर है कितने फ्रीक्वेंसी से लेके कितने फ्रीक्वेंसी तक के वर्क करेगा, ये आप प्रॉपर पूरा का पूरा देख सकते हो. दैट इज वंडरफुल थिंग दैट यू कैन हैव. ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट अभी जो दिख रहा है उसमें? Do you have any question, queries? No, sir. Okay, great. Looks good. मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है क्या आपको? Like whatever I am talking about, are you getting this that like ये सब समझ में तो आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay, looks good. So, yes, sir. Yeah. Shall we go ahead then? Like we are done with this part, है ना? Okay, let's go ahead now. I will click on schematic. Again, the same stuff. You can export this circuit. So you can click on schematic diagram. You can download that diagram also. अगर मैं ये देखता हूँ तो this diagram is downloaded. ठीक है? ये download हुई है. Okay. Now let's jump to your new file. We'll save this one. अभी देखेंगे नो वी हैव सीन लाइक एनटीए सब्जेक्ट रिलेटेड देखा, उसके बाद ईकेट सब्जेक्ट रिलेटेड देखा, अभी थोड़ा सा डीटी सब्जेक्ट के रिलेटेड देखेंगे. लेट्स गो विद न्यू मल्टी सिम फाइल. ठीक है, ओके. नाउ इफ यू सी हियर दिस इज द थिंग दैट वी विल नीड. सो वी विल क्लिक ऑन एंड गेट, वी विल हैव एन एंड गेट. सो वी विल प्लेस दैट एंड गेट हियर. उसके बाद यहाँ पे डिजिटल कॉन्स्टेंट्स है. सो आई विल प्लेस दिस वन एंड आई विल टेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड आई विल प्लेस दिस वन. ठीक है, या मैं दूर दूर भी लगा सकता हूँ थोड़ा सा, सो दैट इट विल बी अ कंफर्टेबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली. एंड नाउ यहाँ पे प्रोब में जाते हो और यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे डिजिटल करके है. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक द रेजिस्टर. रेजिस्टर मैं जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि उसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो हम लोगों को देखना है उसके लिए. तो मैं यहाँ पे ये करते हैं और यहाँ पे मैं ग्राउंड को कनेक्ट कर देता हूँ रेजिस्टर को. यहाँ पे एलईडी वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, नो इश्यूज अबाउट दैट टू ईदर. ओके, ये वाला मैंने इनपुट और ये वाला. ठीक है, नाउ दिस इज द एंड गेट. नाउ वी हैवंट स्टार्टेड विद द सिमुलेशन. नाउ इफ आई change this, I will keep the 0-0 at the initial stage and ये जो probe है इसमें मैं digital वाला यहाँ पे लगा दूंगा. Now as per the truth table AND gate का truth table मेरे को क्या बोलता है कि जब तक कि मेरे दोनों input 1-1 नहीं होते हैं, मेरे दोनों input 1-1 नहीं होते हैं, तब तक कि मेरा output 1 नहीं होता है. So let's see. See that whether it works as per our expectation or not. So if I run this simulation, you can see that this is showing you as a low, LO, low, right? Now I will change this to 1. Abhi maine isko 1 kar diya.
Still it is showing me low. It is showing me a low. Now if I change it to 1, then I will get here as a logic 1, which is high. You can see that high. Okay? So this is the AND gate that you can uska truth table agar meko check karna hai to I can use this particular circuit to check out. Similarly mere ko agar mera ye AND gate ki jagah pe dusra gate lagata hu main, dusra gate is like which gate we should prefer, batao aap wo to hum log wo gate prefer karenge. Shall we go with XOR dekhenge kya? Shall we check out with the XOR gate? Okay, let's go with XOR gate. In case of XOR gate, what happens is, jab tak ke dono jo input hai, wo alag alag nahi rehte hai. Matlab ek 1 hai, to dusra 0 hona chahiye. Aur agar ek 0 hai, to dusra 1, ya 1 hai, to dusra 0. अगर दोनों सेम है, 1-1 है या दोनों 0-0 है, ये वो केस में ये आउटपुट लो देगा, ठीक है? वो आउटपुट क्या देगा? लो देगा. Let's see that. ठीक है? We'll check out क्या होता है. So if I run this, as per its truth table, it will show you low, ठीक है? Now, इसमें से मैंने एक भी, दोनों में से कोई भी इनपुट को मैंने जीरो कर दिया, तो it will show you as a high. You can see that it is high. अगर मैंने दोनों को जीरो कर दिया, तो that will show you low again. So दोनों में से एक exclusive, दोनों में से एक ही होता है. दोनों में से एक one है, तो मेरा output one आएगा. अगर दोनों one है या दोनों zero है, तो मेरा output zero आएगा. ठीक है, so with this like it's very simple for you people to understand this particular thing, right? So you can use this XOR gate, AND gate, OR gate, एक AND gate, दूसरा AND gate, ठीक है? मैं multiple AND gate भी लगा सकता हूँ, like I can show you. ये मैं एक AND gate है, दूसरा AND gate मैंने लगा दिया, और उसके बाद मेरे को अगर इसके आगे OR gate लगा देना है, so I can have an OR gate also, ठीक है? So I will place the OR gate यहाँ पे side पे ले लेंगे इसको भी और इसको भी and इसको भी, ठीक है? Snapping होता है वो, तो there is no big deal about it. तो इसका output मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों AND gate का यहाँ पे लगा सकता हूँ. और यहाँ पे ए वन है, ये वन है, और फिर ये मैं लेके इधर और एक पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और फिर इंडिविजुअली मैं कनेक्ट कर दूंगा यहां से यहां, यहां से यहां, और ये वाला मेरा आउटपुट. Now this is what you have, like something like you have four variables. Now if I take this as DG1, DG2, DG3, DG4, as let's make it as D1, D2, D3, D4, then this is D1 AND with D2, OR with D3 AND with D4. Okay? Ye combination jo banega. And now if I run this, if I run this, अगर ये मैंने one कर दिया, तो मेरा output one, because ये one की वजह से ये वाला logic one हो रहा है, और logic one के चलते ये वाला मेरा high हो रहा है, क्योंकि ये OR gate है. Now इसमें से ये भी zero हो गया, अगर ये one है और ये भी one है, तो this will be turned on and मेरा output high बनेगा, ठीक है? अगर मैंने इसको zero बना दिया, तो मेरा output zero बनेगा, ठीक है? Likewise, you can create any digital circuitry of the combinations using your universal gates. यहाँ पे universal gates वगैरह भी available है, तो उसका भी use करके आप तैयार करके ले सकते हो. So you have the courtesy to use this for making the different combinations of digital circuitry.
So let us revise what we have seen. So we started with very simple resistor based circuitry और उसमें probe कैसे use करना है वो देखा. उसके बाद हमने half wave और rectifier का circuit देखा जिसमें graph कैसे plot होते हैं वो देखा. उसके बाद हमने लोगों ने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट देखा, उसमें भी ग्राफ एसी स्वीप वगैरह कैसे चेक करना है वो देखा. और उसके बाद डिजिटल के सर्किट्स में हम लोग हाई लो और इनपुट कैसे दे सकते हैं और आउटपुट कैसे चेक कर सकते हैं वो देखा. ओके, लेट मी टेक अ मोमेंट एंड आस्क यू लाइक हैव यू अंडरस्टूड लाइक 10% ऑफ व्हाट एवर वी हैव स्टडीड, लाइक जो देखा. ठीक है, जो हम लोगों ने देखा उसमें से 10% तो अंडरस्टैंडिंग आया है क्या आपको? यस नो? ओके, लुक्स गुड. एंड माय काइंड सजेशन वुड बी गो अहेड मल्टीसिम लाइव करके आप सर्च करोगे और अच्छी खासी लाइक प्रैक्टिस करोगे बाय लाइक within couple of days you will get a few of the design challenges aapko har ek subject teacher ki taraf se mil jayenge. To wo design challenges aapko taiyar karne hai aur wo aapke teachers ko, respective teachers ko. Now don't take these design challenges as a burden, please take these design challenges for new learning paradigm. To aapko naya learning milne ke liye wo challenge karke accept karo और जो आप सीखोगे और इसको यूटिलाइज करोगे तो दैट विल हेल्प यू इन ग्रूमिंग योर नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, तो विद दैट नोट आई फील इट लाइक इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस क्यूरीज टू आस्क अपॉन देन वी कैन लाइक स्टॉप फॉर द सेशन. लाइक आपको अगर कुछ क्वेश्चंस क्यूरीज पूछने हैं तो द फोरम विल बी ओपन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड इफ यू फील कंफर्टेबल यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. राइट, I will wait for next 5 minutes. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं. ठीक है, प्लीज गो अहेड. ओके, looks like you have understood much. Like agar no वैसे देखा जाए तो बहुत बहुत easy है ये use करना. I will like finally I will show you from the scratch again. ठीक है, so what I will do is I will close down everything again. So ठीक है, I will close down everything again. तो मैंने ये close कर दिया and ठीक है, करना क्या है, मल्टीसिम लाइव करके सर्च करना है आपको. मल्टीसिम लाइव करने के बाद इसको ओपन करना है. ठीक है, जैसे ही ओपन करोगे ठीक है, तो इट विल आस्क यू फॉर साइन अप. सर साइन अप के लिए पूछेगा, सो यू कैन क्लिक ऑन साइन अप फॉर फ्री और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन पूछी है, नाम, उसके बाद यूजर आईडी और जो ईमेल आईडी वगैरह है, अपने कॉलेज का नाम वगैरह, स्टूडेंट बोलने के बाद वो स्कूल नेम एंड स्कूल एड्रेस वगैरह पूछता है. सो वो सब इंफॉर्मेशन भर देना है एंड देन साइन अप कर देना है. साइन अप करने के बाद वापस लॉगिन हो जाएगा. तो लॉगिन के लिए आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है. सो लेट्स सी दैट. सो लॉगिन बोलते ही यहाँ पे ईमेल आईडी पूछता है, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाना है और लॉगिन बोल देना है. ठीक है, जैसे आप लॉगिन कर दोगे इट विल शो मी. लाइक मैंने पहले 4 सर्किटरी की थी तो उसके बाद ये 4 सर्किटरी जो हम लोगों ने अभी बनाया है वो दिखाता है यहाँ पे. आई कैन क्लिक ऑन दिस, मैं क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएंगी. ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन दिस इट विल ओपन दीज सर्किट्स, ये ओपन हो जाएंगे. अगर नहीं आपको ये एग्जिस्टिंग सर्किट्स ओपन नहीं है, जब आप पहली दफा करोगे पहली बार करोगे तो ये वाले सर्किट्स नहीं दिखेंगे. यहाँ पे 000 रहेगा, तो क्रिएट सर्किट पे क्लिक करना है. क्रिएट सर्किट पे, ठीक है,
क्रिएट सर्किट पे क्लिक करना है सिंपल। जैसे ही क्रिएट सर्किट पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक पूरा पेज आएगा जो स्कीमेटिक बनाने के लिए आपको यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे साइड पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे। सो फॉर वेरी फर्स्ट टाइम जब भी आप इनिशिएट करते हो थोड़ा सा देर लगाता है बट इट ओपन्स अप। सो ये प्रोब है, ये ग्राउंड का है, यहाँ पे आपके सोर्सेस है अलग अलग, ये रजिस्टर्स है, ठीक है, ग्राउंड है, प्रोब्स है अलग अलग, और आप कंपोनेंट्स लेके ना डायोड लेके, जेनर डायोड लेके, एलईडी लेके या ट्रांजिस्टर लेके या बल्ब वगैरह लेके आप तैयार कर सकते हो आपका सर्किटरी। और जब सर्किट कंप्लीट होता है तो यू कैन गो विद दी सिमुलेशन। सो विद दिस प्ले बटन यू कैन हैव अ सिमुलेशन। आप ग्राफर पे ग्राफ भी देख सकते हो या स्कीमेटिक प्लस ग्राफ, ये दोनों भी चेक कर सकते हो, ठीक है। विद दैट एंड यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो भी आपका ग्राफ आया हुआ है तो इमेज, जो इमेज फॉर्मेट में आपने जो सर्किट बनाया हुआ है और उसका जो ग्राफ आया हुआ है वो दोनों एक्सपोर्ट कर सकते हो, और आपका आउटपुट आप वर्ड फाइल में डाल के उसके बारे में आउटपुट आप सबमिट भी कर सकते हो। सो विद दैट नोट आई फील इट लाइक दिस मोर देन सफिशियंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। And if you don't have any questions or queries to ask upon, we will stop the session. Like, हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है ना? Happy with this? Like, shall we close the session then? Okay, looks good. So, I will stop recording.